आप देख रहे हैं दनकौर कस्बे की लाइव कवरेज। दनकौर कस्बे में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। एक हार्डवेयर व्यापारी और परिवार के दो महिलाओं के कोरोना संक्रमण के बाद दनकौर कस्बे में थाने के समीप एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है। इस व्यक्ति के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद दनकौर कस्बे के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के बचाव और एहतियात के उपाय शुरू कर दिए हैं। आप देख रहे हैं दनकौर कस्बे की लाइव कवरेज। कस्बे में स्वास्थ्य विभाग की टीम और नगर पंचायत की टीम लोगों को जागरूक कर कोरोना के संक्रमण से बचाव के उपाय बता रही है। किराएदार का और ले लेना मैम। आप मुझे अपने घर की डिटेल बता दो। दनकौर कस्बे की आप लाइव कवरेज देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। कौन से वाला घर है? कौन सा घर है वो? वो ग्रीन वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो लोग खड़े हैं। अच्छा, हाथ जो लगा रहा है इधर सफेद टी शर्ट में। इस गली में कोरोना संक्रमित एक युवक पाया गया है जो चीनी मोबाइल कंपनी में काम करता था। पिछले दिनों इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसका कोरोना टेस्ट हुआ था। ये वही गली आप देख रहे हैं जिसमें नया कोरोना संक्रमित केस मिला है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गली के मकानों में स्थित सभी लोगों के स्वास्थ्य की पड़ताल शुरू कर दी है। सर्दी जुकाम खांसी बुखार नहीं है, ठीक है। किसी तरीके की मेडिसिन ले रहे हैं? नहीं। बाहर भी जा रहे हैं? बाहर भी जाते हैं। कहाँ पे? एलएन टेक कंपनी में। कहाँ पे ये? एलएन जू सेक्टर पे। कौन सा सेक्टर पे? जू सेक्टर पड़ता है। जू सेक्टर में? हाँ जी। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के इस गली में मिलने के बाद गली के लोगों में हड़कंप मच गया है। सभी लोग अपने बचाव और राहत के उपायों में जुट गए हैं। गली के मोहल्ले के लोग कोरोना संक्रमित व्यक्ति और उसके परिवार के लोगों के बारे में जानकारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव कवरेज। तो आपको कितने साल की शादी है? 24 साल। 24 साल।